लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी, जिसमें शक, जिसमें कम ईमानी, जिसमें हर किस्म की कोई भी बुराई, उस बाबरू की कुव्वत से, उनकी शख्सियत में से निकल गई। कुव्वत का लिबास जरूरी था, एक ऐसी कुव्वत जो उनको इस दुनिया में रुकावटों के सामने खड़ा कर सके। वो पाक रूह का तजर्बा था, लेकिन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो डरे हुए थे, छुपे हुए थे। पतरस ने यीशु मसीह को समुंदर पे पानी पे चलते देखा तो 12 शागिर्दों में से 11 बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ने ख्वाहिश की। उसने कहा मुझे क्या, मुझे ये तजर्बा चाहिए। खुदा अपनी कलीसिया में ऐसे पतरस को आज देख रहा है। अब ये सारे शागिर्द जो डिजायर कर रहे हैं, हमें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा, और फिर ये कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा, मोजज़े होंगे। अब ये उस कुव्वत से उन मोजज़ों की परफॉर्मेंस के लिए मुंतजर है, और उस तख्त के सामने आग के साथ चराग जल रहे हैं, ये खुदा की सात रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर गिलोर ईमानत है। यशायाह ने खुदा को तख्त पे देखा, योहन्नारफ ने खुदा को तख्त पे देखा। योहन्नारफ ने 22वें बाब, जब यीशु मसीह ने पूरा जो ईमानदारों के लिए हमेशा की जिंदगी है वो नए यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं, योहन्ना आरफ ने देखा खुदा है और बर्रे का तख्त यीशु मसीह नासरी, जो आप और मेरा मुनजी है, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। ये वो सीन है इस तख्त का, आलमे बाला का, जिसमें हम जाएंगे। ये बेटा अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ, अब ये आलमे बाला है, हेवन है, कुदरत है, तख्त में से बिजलियां हैं, गर्जे हैं, आवाजें हैं, कुव्वत है। अंगूठा नहीं था, उंगली नहीं थी, हाथ नहीं थे, वहां लिखा है शोले में से फटती हुई जुबानें उन्होंने देखी। जुबान क्यों? यीशु मसीह ने यह कहा था, अमाल का पहले बाप में पढ़ के देखें, कि यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तुम्हें पाक रूह इनाम में मिलेगा वो तुम्हें इसलिए मिलेगा कि तुम यहूदिया में, यरूशलेम में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही देने के लिए जरूरी था कि उनकी आग ऐसी आग हो जो उनकी जुबान को पाक कर दे, जो उनकी जुबान में इख्तियार दे दे, जो उनकी जुबान में असर दे दे। जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे, मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो, और आपको ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। बीइंग बॉर्न अगेन सीरीज में ये आज लास्ट एपिसोड है, होली स्पिरिट द पावर फ्रॉम हेवन, रूहुल कुदस आलमे बाला से कुव्वत, इसका ये टाइटल है। और ये चौथी किस्त नए सिरे से रूहानी तौर पर पैदा होने की ये आखिरी आज किस्त होगी। खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका मैं 24वां बाब और आयात 44 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द गॉस्पल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, चैप्टर 24 वर्सेस 44-49। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला
ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और यरूशलम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। अगर आप घर में इसकी तलावत करना चाहें तो खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज उनके मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो रसूलों पर जाहिर हुए उस वक्त कहे। यहां पे खुदा यीशु मसीह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा आलमे बाला से कुव्वत का लिबास। होली स्पिरिट, आज ईद पेंतिकोस्त है, आपने दूसरी तलावत सुनी, लेकिन जो पाक रू ने मुझे आज पैगाम दिया है वो है द पावर फ्रॉम हेवन, कुव्वत का लिबास। ये आलमे बाला कहां है और ये कुव्वत क्या है और इस लिबास की क्यों जरूरत है? खुदा यीशु मसीह ने ये जितने शागिर्द थे, हमने बहुत दफा पढ़ा है, खुदा यीशु मसीह ने उन पर रूह फूंका, उन्हें कहा रूहुल कुद्दस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह माफ किए जाएंगे और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। तो फिर ईद पेंतिकोस के दिन ये पाक रूह भेजने की क्या जरूरत है? और इस पे बहुत से कभी कभी सवाल हमारे जहन में आते हैं। जो वो रूहुल कुदस है वो उनकी जो हमारी सोल है, मैंने बताया था स्पिरिट सोल एंड बॉडी, जो हमारी जान है, रूहानी दिल, उसके चार हिस्से हैं। मेरा ख्याल अभी आपको जबानी याद हो गया होगा, ख्यालात, इरादे, एहसासात और आजाद मर्जी, थॉट्स, इंटेंशंस, इमोशंस एंड फ्री विल। ये है जिसे जान कहते हैं, सोल कहते हैं। पाक रूह इसको ताकत देता है जब हम खुदा के साथ हैं। ये शागिर्द जब यीशु मसीह के साथ थे तो उनका रूहानी दिल ऐसा था, उनके ख्यालात पाक थे, उनके इरादे नेक थे, वो पाक रूह की मामूरी से भरे रहते थे एहसासात में और उन्हें उनके साथ खुदा इंसानी जिस्म में, और उनकी आजाद मर्जी खुदा की मर्जी के ताबे थी। और जब खुदावन ये कहा कि ये पाक रू लो उन पर फूका, तो उस रूहानी दिल को उसको तकवियत बदली और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। दाऊद जब ये कहता है तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी जिसमें शक, जिसमें कम ईमानी, जिसमें हर किस्म की कोई भी बुराई, उस पाक रूह की कुव्वत से उनकी शख्सियत में से निकल गई। उनकी जाती तौर पर वो बड़े मजबूत हो गए, लेकिन डरे हुए थे। इसका मतलब वो जो पाक रूह है उसके होने के बावजूद उनका ईमान है, लेकिन उस पाक रूह की कुव्वत यह है कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम ठहरे रहना। ये ठहरे रहना जो है ये बहुत मुश्किल है हमारी अपनी जिंदगी में। आप दुआ करना शुरू कर दें, टाइम फिक्स करें, एक हफ्ते के बाद मुझे बताइएगा क्या कायम होते रहते हैं। नहीं, क्योंकि जब हम इस जिस्म में, क्योंकि हम सब रूह हैं और हम निकल जाएंगे इस जिस्म से, ये जिस्म मिट्टी में चला जाएगा। खुदा के कलाम के मुताबिक जो हम चीजें देखते हैं, अब एक ऐसी कुव्वत चाहिए थी
जो उन्हें इस दुनिया में वो सारी रुकावटें, शैतान का वो सारा जोर, हर किस्म के जो मुख्तलिफ अकायद हैं, जो रिलीजियसनेस, जो शरीयत का जोर था, उस पर से वो गालब आकर उस बादशाही की बात करते जो खुदावंद यीशु मसीह की है। इसलिए ईद पेंतिकोस्त होना जरूर था, और इसका वादा जो है वो खुदा के कलाम में मिलता है। ये ईद फसा के 50वें दिन, अगर आप पढ़ के देखें लेविटिकस और खुरूज के बाब में, खुदा ने मूसा को कहा था, इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं, हार्वेस्ट ईद, कटाई के दिन। और खुदा का यह था कि उस वक्त कटाई के बाद जो पहला फ्रूट होगा वो तुमने मुझे नजर करना है, जैसे पहलोठों का। ये खुदा ने कहा था कि पहलोठे मेरे हैं, जब बच्चे पैदा हों तो नजर करना, जिसे हम डेडिकेट कहते हैं। और उस वक्त उस दिन ये भी ईद थी, आज तक यरूशलम में ये मनाई जाती है, लेकिन ईद पेंतिकोस्त यहूदी इस तरह नहीं मनाते जैसे हम मसीही मनाते। कुव्वत का लिबास जरूरी था, एक ऐसी कुव्वत जो उनको इस दुनिया में रुकावटों के सामने खड़ा कर सके। वो पाक रूह का तजर्बा था, लेकिन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो डरे हुए थे, छुपे हुए थे। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ के देखें, औरतें थी जो फ्रीली, जिन्होंने जो ईस्टर के दिन हम देखते हैं, जो पहली इवेंजलिस्ट मरियम मगदलीनी, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो, ये फरमाबरदारी की बात थी। वो पाक रूह की नेमत जो उनकी अपनी पर्सनालिटी में थी, उन्होंने उसमें ओबीडियंस को इतना मजबूत किया कि फिर वो हटे नहीं, वो रुके रहे, उसका इंतजार करते रहे। और मैं देख रहा था, एक दिन मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि वो क्या करते थे। उन्होंने मुकम्मल ईमान किया कि यीशु ने ये कहा है कि तुम ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्दस तुम्हें ना मिले, और वो इंतजार करते थे। दूसरी चीज में मैंने उसमें देखी कि दे हैड डिजायर। पतरस ने यीशु मसीह को समुंदर पे पानी पे चलते देखा तो 12 शागिर्दों में से 11 बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ने ख्वाहिश की, उसने कहा मुझे ये तजर्बा चाहिए। खुदा अपनी कलीसिया में ऐसे पतरस को आज देख रहा है। आज इस जमाने में उस पतरस की ख्वाहिश की जरूरत है। अब ये सारे शागिर्द जो डिजायर कर रहे हैं, हमें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिलेगा। यीशु मसीह ने मरकज की इंजील में बताया था, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम दुनिया में कलाम की मुनादी करना, जो ईमान लाए उन्हें बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा देना, जो बपतिस्मा पाएगा वो निजात पाएगा, और जो बपतिस्मा नहीं पाएगा उस पर सजा का हुक्म हो चुका। और उस, अगर आप पढ़ना चाहें मार्क चैप्टर 16 के आखिरी हिस्से को पढ़िए, और फिर ये कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होगा, मोजज़े होंगे। अब ये उस कुव्वत से उन मोजज़ों की परफॉर्मेंस के लिए मुंतजर है। ये आलमे बाला क्या है, व्हाट इज हेवन, इसके लिए मैं चंद हवाले आपको दूंगा। यसाया का छठा, यसाया का सहीफा छठा बाब, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं पुराने आदनामे से। यीशु मसीह कुव्वत की बात कर रहे हैं, मेडिकल कुव्वत की बात नहीं है, साइंटिफिक कुव्वत की बात नहीं है, इन्वेंशंस की कुव्वत की बात नहीं है, इंसानी कुव्वत की बात नहीं है, फौजों की कुव्वत की बात नहीं है। ही स्पेसिफिकली मेंशनड अ लोकेशन, यीशु मसीह ने एक खास मकाम की निशानदही की, कहां, आलमे बाला से कुव्वत का लिबास। यसाया उसका छठा बाब पहली 4 आयतें मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
जिस साल में उज़ाया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदामंद को, बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने खुदामंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के छह बाजू थे और हर एक दो से अपना मुंह ढांपे था और दो से पांव और दो से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गए। यसाया ने, ये है वो आलम बाला, यहां पे बुलंदी पे तख्त है लेकिन एक बैठा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यसाया ने क्या देखा, ऊंचे तख्त पर बैठे हुए के खुदामंद को एक बड़ी बुलंदी पर। उसके बाद अगर आप देखना चाहते आलम बाला मुकाशफा चौथा बाब, मैं हल्का सा उसमें आपको उसका एक मंजर बताना चाहता हूं कि ये आलम बाला, ये हेवन कहां है। मुकाशफा चौथा बाब और उसकी मैं चौथी वर्ष से, बल्कि मेरा ख्याल है मैं दूसरी वर्ष से पढ़ता हूं। ये पढ़ के बताना बहुत जरूरी है ताकि मैं इल्म हो कि जो हम ईमान रखते हैं उसकी हकीकत क्या है। मुकाशफा चौथा बाब दूसरी आयत से, फौरन मैं रूह में आ गया, यूहन्ना आरफ लिख रहे हैं, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। यसाया ने बड़ी बुलंदी पर एक तख्त को देखा, यूहन्ना आरफ ने भी इसी तख्त को देखा। आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, यसाया ने भी यही कहा। और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जुमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के ताज हैं। पांचवी आयत, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के साथ चराग जल रहे हैं, ये खुदा की सात रूहें हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बिलौर की मानत है। द सेम थिंग, द हेवन, द लोकेशन वेर गॉड, वेर गॉड रिजाइड्स। और अगर आप इसे और देखना चाहें, इसे आगे जाके पढ़ के देखें और इसमें बड़ी मालूमात है, लेकिन उसके बाद मैं दूसरा इस आलम बाला के बारे में बताता हूं कि ये थोड़ा फर्क है। न्याय यरूशलेम आया, नया आसमान था, नई जमीन है, पढ़ के देखें मुकाशफा रेवलेशन चैप्टर 21, वहां आपको इल्म होगा। अब 22वें बाब में मुकाशफा में यूहन्ना आरफ इसी तख्त की बात करता है, थोड़ी सी फर्क बात है। ये देखें 22वां बाब मुकाशफा पहली याद, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रे के तख्त। यसाया ने खुदा को तख्त पे देखा, यूहन्ना आरफ ने खुदा को तख्त पे देखा। यूहन्ना आरफ ने 22वें बाब जब यीशु मसीह ने पूरा, जो ईमानदारों के लिए हमेशा की जिंदगी है, वो नए यरूशलेम में दाखिल हो चुके हैं, यूहन्ना आरफ ने देखा खुदा है और बर्रे का तख्त, यीशु मसीह नासरी जो आप और मेरा मुनजी है, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह। ये वो सीन है इस तख्त का, आलमे बाला का, जिसमें हम जाएंगे। जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी खुदा के खादम हैं, वो एक ही
मनसब पे हैं, एक ही कोशिश में हैं, और जो बहुत से आप में से खिदमत में आने वाले हैं, गेट रेडी। एक ही है कि हम उस नए यरूशलम में जाएं, इसीलिए हम कलाम की मुनादी करते हैं। और वो बर्रा जो हमारे लिए जमा हुआ, अब खुदा के तख्त के खुदा के साथ ये बेटा अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। अब ये आलमे बाला है, हेवन है, कुदरत है, तख्त में से बिजलियां हैं, गर्जे हैं, आवाजें हैं, कुवत है। अगर आप मुकाशफा चौथा बाप पढ़ के देखें, वहां से अब क्या चीज मिली है? अगर आपने दूसरी तलावत, अगर आपको याद है, मैं आपको थोड़ा सा उसको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन हुआ क्या। यहां लिखा है दूसरी तलावत, ईदे पैंतीकोस के दिन क्या हुआ, सुनिए। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है। एलिया, उसने बाल के 700 पुजारियों को कत्ल किया था, एजबल के जो है वो खौफ से भागा और छुप गया, वहां उसे आवाज आई, निकल बाहर खड़ा हो, खुदावंद की हजूरी में खड़ा हो। पहले आती है जोरदार आंधी, वहां लिखा है उससे पहाड़ हिल गए, चट्टाने टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन खुदा उसमें नहीं था। फिर आप पढ़ते, आपको याद होगा, जलजला आया, उसमें खुदा नहीं था। फिर आग आई, उसमें खुदा नहीं था। और उसके बाद एक धीमी सी आवाज आई, और एलिया के बारे में लिखा है उसने अपना मुंह ढांप लिया क्योंकि वो उस आवाज को पहचानता था। जब आप हर रोज खुदावंद के हजूर बैठते हैं, आप दुआएं करते हैं, अपना बोझ उसे देते हैं, आप उसकी आवाज के आदि हो जाते हैं, फिर आप शैतान की आवाज, अपनी ख्वाहिशों की आवाज और रिलीजन की आवाज में से यस्सु की आवाज को पहचानते हैं। और वो जोर की आंधी आई, खुदा की कुदरत, और बाइबल में ये लिखा हुआ बहुत दफा, ईदे पैंतीकोस के दिन, वाई द स्ट्रॉन्ग विंड। पौलुस इस पे एक बात करते हैं कि शैतान ने अपनी रूहानी फौजों की चौकियां ऊपर लगाई हुई हैं ताकि कलीसिया की दुआएं आलमे बाला पर ना पहुंचे। डैनियल की किताब में उसने पार्शल फास्ट रखा, कमजोर फास्ट था ये, सॉरी, मेरा ख्याल वो हो गया, डेड हो गई बैटरी, तो यहां पे और दूसरा लाइए क्योंकि मेरी आवाज जूम पे नहीं सुन सके, सुनते होंगे। पौलुस कहता है कि अब हमारी जंग किन से है, आपको याद होगा, शैतान की किन फौज, रूहानी फौजों से, अनदेखी, अनदेखी, शैतान की अनदेखी रूहानी फौजों पे है। और वो उसका मकाम बताते हैं, उसकी जो है लोकेशन बताते हैं, जो ऊंचे मकामों में बसती हैं। खुदा के लोग जो सुबह सुबह उठ के दुआ करते हैं, जब पाकरू ने, जब मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी, ये लिबिया की बात है 1992 में, तो मेरी आवाज से मेरे बहुत तजर्बे हुए हमें अपनी जिंदगी में, और वो ऐसे तजर्बे हैं जो मेरी आखिरी सांस तक मुझे इस काम से हटने नहीं देंगे। रियल एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, कुछ भी हो जाए, ये कलाम और खुदा की मोहब्बत हट नहीं सकती। और ये जो है, शैतान पूरे तरीके से रोकना चाहता है कि ये काम ना हो। अब जोर की आंधी उन सारी रुकावटों को यीशु के हुक्म से, पाखरू की कुव्वत उसमें से तोड़ती हुई नीचे आई। और क्या हुआ, ये शागिर्द कहां थे? दे वर ऑल इन हाइडिंग। अगर आपने फिल्मों में देखा हो, वो छुपे हुए थे, डरे हुए थे, बाहर नहीं जा रहे थे। पाखरू उनके अंदर था, लेकिन फिर भी डरे। जैसे ही ये सन्नाटा, वहां लिखा कि आंधी आई
और फिर आग। यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आता है जो तुम्हें रूल कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा। इन सब शागिर्दों ने देखा उन पर आग के शोले, और एक खास शक्ल है उसकी, अंगूठा नहीं था, उंगली नहीं थी, हाथ नहीं थे। वहां लिखा है शोले में से फटती हुई जुबानें उन्होंने देखी। जुबान क्यों? यीशु मसीह ने यह कहा था, अमाल का पहले बाब में पढ़ के देखें, कि यरूशलम में ठहरे रहना, जब तुम्हें पाक रूह इनाम में मिलेगा, वो तुम्हें इसलिए मिलेगा कि तुम यहूदिया में, यरूशलम में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही देने के लिए जरूरी था कि उनकी आग ऐसी आग हो जो उनकी जुबान को पाक कर दे, जो उनकी जुबान में इख्तियार दे दे, जो उनकी जुबान में असर दे दे। और उसके बाद हम देखते हैं ये शागिर्द जो डरे हुए थे, कुव्वत ऐसी मिली के दरवाजे खोल के इन्होंने छलांग लगा के बाहर आ गए और क्या करने लगे, गैर जुबानें बोलने लगे। अब ये पाक रू की नेमतों में से आठवां और नौवां गिफ्ट है। जो आठवां गिफ्ट है तरह तरह की जुबानें, फिर नौवां है जुबानों का तर्जमा, वहां से शुरू हुआ, गैर जुबानें बोलने लगे। जब पाक रू का बपतिस्मा होता है, ये एविडेंस है, इसे कहते हैं अदर टंग्स हेवनली, जिसे जो पत्रस से लिखते हैं अपने खत में, पौलुस भी इसका जिक्र करते हैं मोहब्बत वाले चैप्टर में, कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं, सो दे वर हैविंग हेवनली टंग, इसको शैतान नहीं समझता। इंसान की रूह खुदा से तय की बातें कर रही होती है, दुआ करने वाला भी नहीं उसे समझता। ये गिफ्ट है कि उस गिफ्ट का फिर तर्जमा किया जाता है। अब पाकरू नौवें गिफ्ट को, अब जितने लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं और हर कोई यही समझ रहा है कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। कुव्वत का ये लिबास कहां से आया है? खुदा के तख्त से, जहां से बिजलियां, गर्जे, आवाजें और उसके जोर को कोई रोक नहीं सकता। अब ये डरे हुए शागिर्द टोटली डिफरेंट हो गए हैं। कलीसिया क्यों कमजोर है? क्योंकि कुव्वत के लिबास को हम नहीं जानते, हमें डिजायर ही नहीं है। हम अपने आप को डिनोमिनेशंस में इतना बंद कर चुके हैं, हम समझते हैं हम हेवन में जाएंगे, लेकिन उस दिन खुदा यीशु मसीह कहेगा मेरी तुमसे कोई वाकफियत ही नहीं। जैसे ही कुव्वत आई, इन लोगों की पर्सनैलिटी बदल गई। पतरस खड़ा हो गया। अब वो लोग ठट्ठा कर रहे हैं जो उसका वाज है, वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं ये तो नशे में है, है? उन्होंने अपना एक बनाया वहां से है तो नशे। और अगर आप पढ़ के देखें, पतरस ने जहां से अपना वाज शुरू किया है, नबूवत का कलाम, ये गिफ्टों में से एक है, छठा गिफ्ट है पाकरू का। और फिर पहली बात वो रेफरेंस देता है योएल चैप्टर नंबर 2, उन्हें कहता है कि पहले उन्हें जस्टिफाई करता है कि जो हमारे साथ हुआ है, जोएल को खुदा ने कहा था मैं आखिरी दिनों में अपना रूह हर बशर पर उंडेलूंगा। और उसके बाद जो तीसरी बात है वो यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन कराता है, जिसका नाम वो नहीं सुनना चाहते थे। अब देखें कुव्वत आ गई है, अथॉरिटी आ गई है, वो बोल रहा है, सारे सुन रहे हैं। पहले उनको बात नहीं करने देते थे, यू सी द पावर फ्रॉम हेवन, सब चुप हैं, सकता छाया हुआ है। और उसने कहा यीशु मसीह नासरी एक शख्स था और वो खुदा की तरफ से था, जिसको वो मानते नहीं थे। और उन्होंने कहा कि जो मौजज़े तुमने देखे वो साबित करते थे कि वो खुदा की तरफ से है। वो सुन रहे हैं, हाँ उन्हें याद आया, उन्होंने कहा कि तुम उसके गवाह हो। अब वो पूरी भीड़ सुन रही है, द पावर फ्रॉम हेवन रोका हुआ है, जहन उनके काम कर रहे हैं, दिल उनके फर्क सम्मत में महसूस कर रहे हैं। दैट इज द पावर फ्रॉम हेवन, वो चीजों को सीज कर देती है। जो लोग उन्हें देखना नहीं चाहते थे, मार देना चाहते थे, उसी पत्रस ने खड़े होकर
अब बात कर रहा है। फिर उसने उसके बाद एक रेफरेंस दिया साम 16, जबूर 16 उसकी 8 से 11 आयत। उसने कहा कि दाऊद ने ये कहा है कि उसका बदन नहीं सड़ेगा, वो उसका जो वो आम मौत नहीं मरेगा, वो जिंदा होगा। और उसने कहा कि दाऊद ने अपने बारे में तो कहा नहीं, उसने इसी यीशु मसीह के बारे में कहा है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। अब देखें ये गवाही का, ये है इल्मियत का कलाम है, उसमें हिकमत का कलाम है, पाकरू के सारे गिफ्ट्स सवाई मौजदा, मौजदा जो है उन सब की जबानें बंद हैं, जहन काम कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए एक ही प्रीचिंग है। और उसके बाद वो फिर जबूर 110 और उसकी पहली वर्स को कोट करता है कि खुदावन ने, खुदा ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तुझे तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी न कर दूं। इल्मियत और सब देखें रेफरेंस दे रहा है। और फिर आखिर में उन्हें कहता है कि खुदा ने उसे जिंदा किया मुर्दों में से, वही मसीह है। और देखें कुव्वत के लिबास के बाद एक ही मैसेज से क्या हुआ, देखें आखिर में कंक्लूड करता है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी, दैट ही वाज द मसीहा यू बीन वेटिंग फॉर। अब आगे देखिए 37 वर्स, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगे। ये है पाकरू की कुव्वत, सख्त दिल नरम हो जाते हैं। खुदा को जब आप जानते हैं तो आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, वो दिलों को नरम कर देता है, वो गोश्तीन दिल निकाल कर वो एक प्यार भरा दिल दे देता है। अब देखें दिलों पर चोट लगी और अब ये लोग जिन्हें मारना चाहते थे और पतरस और बाकी रसूलों से कहा ऐ भाइयों हम क्या करें, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, जिस गुनाह का उन्हें एहसास हो गया है उस कुव्वत की वजह से, वो कहता है अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। और फिर एक और बड़ी नबूवत के तौर पे पतरस ने बात की, हालांकि पतरस ये समझता था यहूदियों के लिए निजात है जिनका सरकमसीयन हुआ है, खतना हुआ है, सिर्फ वही मसीह के पीछे आएंगे। अब देखें पाकरू उसके मुंह से नबूवत क्या निकलवा रहा है। 39 उसने कहा तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे इसलिए कि ये वादा तुम जितने सुन रहे थे और तुम्हारी औलाद जनरेशन, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदामंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। वी जेंटाइल्स, जिनमें यहूदी जो है वो ब्लड नहीं है, हम यहूदी नस्ल से नहीं हैं। इसने नबूवत के तौर पे कह दिया, ये तो मानता ही नहीं था, गैर कौमों की तरफ ही नहीं जाता था ये पतरस। पतरस और पौलूस में डिफरेंस ही ये रहा, जब तक के खुदा ने एक चादर को लटकाया और उसमें हर नापाक जानवर को दिखाया और उसने कहा कि उठ पतरस खा, उसने कहा तू जानता है कि मैं यहूदी हूं, मैं तो नापाक चीज खा नहीं सकता, तो खुदा ने कहा जिसे मैंने पाक किया है उसे तू क्यों नापाक कहता है। लोगों ने उसे बड़ा इजी कर लिया है जी, अब सब नापाक जानवरों की बात नहीं, ही वॉज प्रिपेयरिंग हिम टू गो टू जेंटाइल जो यहूदी नहीं थे, गैर कौमों की। और उसके फौरन बाद कर्नीलियस के लोग आए जो गैर कौम था, और उसको जो है आप पढ़ के देखें। अब पतरस ने ये कलाम, और देखें उसके बाद हुआ क्या, ये लिखा हुआ है पस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, पहले वो कलाम कबूल नहीं करते थे, यही पतरस है जिसने उनके डर से 3 दफा यीशु का इनकार किया था,
यही पतरस है। जब यीशु मसीह जो है वो मुर्दों से जिंदा भी हो गया, उसने कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ, अपना कमीशन ही भूल गया। खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, लेकिन पतरस उसने कहा चलो अब कौन सा यीशु सामने है। उसने शागिर्द दूसरे भी ठीक है हम भी जाते हैं। फिर यीशु मसीह ने आके उससे वादे लिए, ये है उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 100 नहीं 200 नहीं 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। द फर्स्ट चर्च वॉज बॉर्न। किसकी वजह से? आलमे बाला से कुव्वत का लिबास जो रूहुल कुद्दस की शक्ल में उसकी कलीसिया को मिलता है। डिनोमिनेशनल लोग कहते हैं 2000 साल पहले की बात है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, आज भी उसके नाम में मौजज़े होते हैं। आप भी जहां बैठे हैं मैं अपनी रूह में देख सकता हूं कि खुदावंद आपकी रूह और दिलों को छू रहा है, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। इस चर्च को 22 साल पहले जब इसे प्लांट किया था खुदा ने मुझे दिखाया था यहां से एवेंजलिस्ट निकलेंगे, खुदा ने मुझे दिखाया था यहां से विमेन मिनिस्ट्रीज पाक रूप से निकलेंगी, खुदा ने मुझे दिखाया था यहां कुव्वत से भरे हुए लोग नॉटिंगम में से उठेंगे। और मैं उस आवाज को उस विजन को भूल नहीं सकता। आज मैं देख सकता हूं खुदामंद आपको बुला रहा है। क्या आप खुदामंद का कुव्वत का लिबास हासिल करना चाहते हैं? क्या हम डरी हुई जिंदगी गुजारना चाहते हैं? उसके बाद देखिए जब ये इनकी लाइफ बदल गई, ये अपनी चीजें बेचते थे। ट्रस्ट का ये आलम था कि शागिर्दों के रसूलों के पांव में रखते थे, वो उनकी जरूरत के मुताबिक बांट देते थे। दुनिया की बहुत से कम्युनिटीज ने इस अर्ली क्लीसिया से ये चीज ली है, कम्युनिज्म, कॉमन इज्म, के कुछ भी किसी का नहीं वो उनको देते थे, बेहतरीन सिस्टम हम देखते हैं, और उनमें कोई मुताज नहीं था। और एक बात ये कि इन सब में ये देखिए बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से होते थे। ये सिर्फ रसूल ही नहीं, अगर आज आप तैयार हैं खुदावंद आपको ये कुव्वत देना चाहता है, वो ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें से निशानात हों, वो दुआ करें मोजज़ात हों, वो जब कलाम सुनाएं दिलों पर चोट लगे। आर यू रेडी फॉर दिस? ईद पेंटिकोस्त के दिन आप क्या खुदावंद से लेना चाहते हैं? शागिर्दों की तरह आप क्या तैयार हैं? आप ठहरे हुए हैं? आप इस तजर्बे से हासिल करना चाहते हैं कि जब आप चलें तो पानियों पे चलें, आप हुक्म दें तो बदरूह निकलें, आप दुआ करें तो लंगड़े चलें? डू यू वॉन्ट टू हैव दिस पावर? खुदा आज की जमाने में ऐसी कलीसिया का मुंतजर है। आइए हम मुंतजर हों। Oh,
तुझे।